भाजपा प्रत्याशी ने संविधान को बदलने को लेकर दिया बड़ा बयान, लोगों की प्रतिक्रिया देख आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना जमकर वायरल हो रहा है जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता या फिर आम लोग भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के नागौर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, इनका। सबसे पहले मैं वीडियो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, इसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया भी आपके साथ में साझा करूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिस वीडियो में जो कुछ बातें कही गई है। जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उसके अंदर अमल चाहिए होती है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। तो ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो में जिस तरीके से बात कही जा रही है, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा में हमारा प्रचंड बहुमत है और लेकिन दोनों सदनों में हमको अपना एक बहुमत लाना होगा, जिसके कारण हम 400 का जो पार का नारा लगा रहे हैं ये इसीलिए है कि हम इस देश के भारतीय संविधान में एक बड़ी समीक्षा करना चाहते हैं, उसके मूल ढांचे में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे अनेकों बातें मैं नहीं तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता कहे या फिर राजनीतिक विश्लेषक कहे या फिर अनेकों प्रकार के जो एक्टिविस्ट है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रिया मैं आपके साथ में साझा करूंगा, जिसके कारण इस मसले को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये मैं प्रतिक्रिया तमाम लोगों ने आज के इस वीडियो को लेकर दिया है, ये प्रतिक्रिया मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक के बाद एक चीज मैं आपके साथ में रूबरू करूंगा। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया ये आई है इससे आप पढ़ पाएंगे कि बीजेपी के अनंत हेड़गे के बाद बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा साफ कह रही है कि 400 पार का सपना सिर्फ संविधान बदलने के लिए है और ये ना सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान का अपमान है, साजिश है देश में रहने वाले पिछड़े लोगों के खिलाफ। इनको वोट की चोट से समझना होगा कि देश मनुस्मृति पे नहीं चलने देंगे। तो जो यूजर ने बात कही है इस बात से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि कैसे पहली बार ये नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता के जरिए जो बीजेपी की प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा के माध्यम से भारतीय संविधान को बदलने को लेकर बातें कही गई है। इसके पहले भी अनंत हेड़गे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, इनके जरिए भी इसी तरीके की 400 पार के आंकड़े को छूने की जो बात कही गई, आखिर इनकी मंशा क्या है वो उन्होंने साझा की थी, जो कि वीडियो भी बड़े जोरों से वायरल हुआ था। अब फिर एक बार बीजेपी के ही नेता के जरिए ये वीडियो बड़े जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और यूजर के जरिए कहा गया है कि मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है इस मंशा को हम पूरी नहीं करने देंगे, खासतौर पर पिछड़े जो समाज से आने वाले लोग हैं इन पिछड़ों के वोटों के बदौलत ही बीजेपी इस प्रकार के जो नारे है या फिर इस प्रकार के बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। इस देश में जो तमाम तरीके के समुदाय रहते हैं, तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये देश जो है वो भारतीय संविधान से चलेगा ना कि मनुस्मृति से, और ये बात हम आने वाले 24 के इलेक्शन में अपनी वोट की चोट देकर दिखा देंगे, बता देंगे, ये बात लगातार यूजर कह रहे हैं। अगले ट्वीट से मैं आपके साझा आपको साझा करूंगा तो निश्चित रूप से आप पढ़ पाएंगे कि अगले ट्वीट में जो यूजर लिख रहे हैं कि हितेंद्र की जरिए जो लिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा वोट की जगह संविधान को बदलने के मंसूबे बता रही है और इसीलिए कहते हैं ये चुनाव वोट का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और डॉक्टर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है और इसीलिए इंडिया गठबंधन
करने की अपील की गई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए अनेकों प्रकार के जो बयान और लॉजिक्स दिए गए हैं, क्या वो बड़ा कारण है जिसके कारण तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं, तो इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को लगातार बदलने की बात बीजेपी के पाले से जो की जा रही है इसको रोकने के लिए, इस देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए कहने की बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, गंभीर ये बात है। और इसीलिए इसी मुद्दे को लेकर लगातार हमको प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है। अगली प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करूंगा और अगली प्रतिक्रिया आप देख पाएंगे कि भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी वोट मांगते हुए संविधान में बदलाव की बात कर रही है और इनके पहले भी बीजेपी के सांसद संविधान बदलने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। संविधान को खत्म करने की इसी मानसिकता और रणनीति को हराने के लिए देश को एकजुट होना होगा। जिस तरीके से देश में माहौल निर्माण किया जा रहा है और इसी माहौल को ध्यान में रखते हुए इस बात को कहने की समझना होगा, इस देश के दलित आदिवासी और पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज को कि बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है। अभी तक के पिछले 10 वर्षों में तमाम जो बड़े बड़े वादे बीजेपी के पाले से किए गए लेकिन धरातल में तमाम काम शून्य नजर आता है और फिर एक बार इस 24 के इलेक्शन में बीजेपी के पाले से मोदी की गारंटी को लेकर अनेकों प्रकार के नारे अब मंचों से लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी वास्तविकता और सच्चाई है ये आप खुद भली भांति समझ पाएंगे। अगले यूजर से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि आखिर कितना ये गंभीर मुद्दा है। बीजेपी के पाले से लगातार जो बयान किए जा रहे हैं, ये है राजस्थान के नागौर से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कहती है कि संविधान बदलने के लिए दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। बीजेपी सांसद अनंत हेड़गे भी कह चुके हैं कि हमें लोकसभा 2024 चुनाव में 4 सीट मिली तो संविधान बदल देंगे और इन बयानों से साफ है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म कर बीजेपी जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। आखिर बीजेपी की मंशा क्या है, इस पूरी बात को यूजर ने साफ करने का काम किया। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के पाले से लगातार जो संविधान बदलने की बात की जा रही है ये ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बीजेपी के सांसदों के माध्यम से भारतीय संविधान को बदलने को लेकर ये बात कही जा चुकी है और अब बीजेपी फिर एक बार उसी मंशा पर कहने की अपने अग्रसर होते हुए नजर आ रही है। इसीलिए इस चुनाव में 24 के इलेक्शन में बीजेपी को फिर एक बार सत्ता से वापसी करने से रोकना यह बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संविधान के तमाम अधिकारों को कहने के छीनने का काम लगातार बीजेपी पाले से तो किया जा रहा है लेकिन ये जो कोशिश है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सांप्रदायिक माहौल का निर्माण करने का काम बीजेपी के पाले से किया जा रहा है और इस देश में धार्मिक मुद्दों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। तमाम जो लोकतंत्र के आधार पर भारतीय संविधान के अनुसार लोगों की जिंदगी में आखिर परिवर्तन जनकल्याण कैसे होना चाहिए इस पर कहने कई सोच विचार और तमाम सरकारों का जो मंशा है वो ना देखते हुए धार्मिक मुद्दों को लेकर ही बीजेपी कहने की इस देश के तमाम तबके को अनेकों प्रकार से अपने पाले में और दिशा भूल करने का काम करेगी, उनके विश्वासों को जीतने का काम करेगी। तमाम बड़े बड़े मुद्दों के आधार पर फिर एक बार आत्मविश्वास को जीत कर कहने के फिर एक बार बड़ी धोखाधड़ी करने का काम करेगी। ये तमाम बातें लगातार यूजर के जरिए की जा रही है और जिस तरीके से नागौर लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा इनके जरिए संविधान को बदलने को लेकर जो बात कही गई है जिसको लेकर लगातार लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।